चार लोगों को क्या मार लिया, खुद को हीरो समझने लगा। आठ जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। एल्डोराडो, लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, वेस्टर्न देशों में एक मिथक है। इसी एल्डोराडो से शुरू करते हुए एक लेखक कहानी शुरू करता है। 1991 से शुरू हुई ये कहानी KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी है। ये कहानी है रॉकी की, जिसकी मां ने मरने से पहले उससे वादा लिया है कि वो जिए जैसे भी लेकिन मरेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर। कहानी को दो भागों में बांटा गया है और इसका पहला भाग ये है KGF यानी कि चैप्टर 1, जो बाहुबली की तरह मिथकीय है और साउथ इंडियन है। KGF जिसका बैकड्रॉप गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह एक माइनिंग फील्ड है। KGF जिसके बाहुबली और गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह पहले ही सूचित किए गए दो पार्ट हैं, धूम या गोलमाल की तरह। पहली फिल्म की सफलता को कैश करवाते हुए नहीं, प्रशांत नीर का डायरेक्शन लाउड और यूनिक हुए बगैर अच्छा है। स्क्रिप्ट भी यूनिक ही है, स्क्रिप्ट में सारे मूवी मसाले डाले हैं। रॉकी के रूप में यश कमाल लग रहे हैं, बाकी एक्टर्स के लिए ज्यादा कुछ काम नहीं है। इस वाले पार्ट में विलेन करुणा का किरदार निभाने वाले एक्टर ने भी ठीक काम किया है। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को और निखारता है। ऐसी नॉन लीनियर मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन्स में आप केवल बैकग्राउंड थीम भर से ही इमोशनल हो जाते हैं। कई जगह भुवन की सिनेमाटोग्राफी देखते ही बनती है। माइनिंग वाले और 50 से 80 के दशक वाले सेट्स भी विशालकाय और अच्छे हैं। फिल्म के कई मजबूत पक्षों में से एक है इसके डायलॉग, जो कहीं ना कहीं वन लाइनर बन जाते हैं। जैसे सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता, हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ को खिलाने जा रहे हो लेकिन मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ पसंद है। इतिहास जल्दबाजी में नहीं रचा जा सकता लेकिन आप प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बनाकर भी इतिहास नहीं बना सकते। फिल्म में आनंद बख्शी के गीत का नया वर्जन डाला गया है, गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बन जा रहा। फिल्म देखते हुए आपको हमेशा 80 के दशक की अमिताभ वाली मूवीज की फील आती है। कई बार ऐसे सीन्स आते हैं जो बेशक जानबूझकर कॉपी नहीं किए गए हैं लेकिन 80 के दशक की याद दिलाते हैं। जैसे अग्निपथ वाला अमिताभ, जब बैकग्राउंड में कविता और फोरग्राउंड में गुंडों की कुटाई चल रही होती है। एक और बार गुंडों की दरवाजा बंद करके कुटाई दीवार की याद दिलाती है। भगवान को नहीं बल्कि माँ को मानने वाली बात नास्तिक की याद दिलाती है। दरअसल ये पूरी फिल्म ही 80 के दशक की मसाला फिल्म सरीखी है लेकिन फिर भी पुरानी नहीं लगती, यानी नए और पुराने के बीच बैलेंस बनाकर चलती है। फिल्म बंगलुरु और मुंबई में कलरफुल और KGF की माइनिंग साइट में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। फिल्म पूरी तरह तब कमर्शियल और फिल्मी लगती है जब रॉकी 100 गुंडों की भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर अकेले मारता है, एक नहीं कई बार। लेकिन फिर किसी यातना शिविर जैसे कभी हिटलर ने यहूदियों के लिए बनवाया था, सरीखे माइनिंग साइट में लोगों के दर्द को देखकर खुद दुखी हो जाता है और उनके दुख दूर करने के लिए खुद राजा बनने की सोचता है। खास तौर पर एक अंधे को देखकर जिसके अंधेपन का पता लग जाने पर सिक्योरिटी गार्ड उसे मार डालेंगे क्योंकि वो किसी काम का नहीं, इसीलिए वो अंधा ना होने की एक्टिंग करता है। जहां एंड दर्शकों को संतुष्ट करता है वहीं वो अगले पार्ट की भूमिका भी तैयार करता है। फिल्म में माँ वाला इमोशन भी है और रोमांस वाला भी, गरीबी वाला भी और मजबूती वाला भी और साथ ही मजबूरी वाला भी। मूवी में रवि और तनिष्क बागची का म्यूजिक है जो अच्छा लगता है। KGF 2 के बारे में बात करते हुए संजय ने एक मीडिया इंटरेक्शन में बताया कि उनका ये किरदार एवेंजर्स एंडगेम के सुपर विलेन थैनोस की तर्ज पर होगा। हालांकि जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो जाती तब तक संजय की इस बात को सिर्फ एक कथन ही कहा जा सकता है या उसकी श्रेणी में रखा जाएगा। KGF 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे, साथ में कई और खिलाड़ी होंगे
जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार जमाना चाहते हैं। पहली फिल्म में सिर्फ करुणा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते हैं, पहली फिल्म में सिर्फ करुणा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनल कहानी कहाँ पहुँचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। तो दोस्तों, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि संजय दत्त का किरदार थैनोस की तरह है या सिर्फ एक बात है। क्या संजय दत्त थैनोस की तरह कर पाएंगे? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीक्राफ्ट।